अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सैयद शाकिर अली, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अब्बास और खुश आमदीद हमेशा की तरह हमेशा मौजूद एक और नई वीडियो के साथ। और आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं ये एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है देवी, जिसमें काजोल हैं। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, बाकी बातें करते हैं। सारे ना इन्होंने मजे लिए हैं। लेकिन लोगों का गुस्सा आपकी तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है। हम यहाँ इस वक्त इस केस के विक्टिम के घर के बाहर खड़े हैं। हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही। इस केस को लेकर देश की जनता कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर रही है। पकड़े गए गुनहगारों को राजनेताओं का समर्थन क्यों मिल रहा था? आखिर इस तरह के गुनह बार बार क्यों हो रहे हैं? साल दर साल सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरीके का सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है? पूरा देश इस वक्त अपनी टीवी बंद करो, बंद करो। ये बाकी होता मावशी प्लीज सगळ्यांचा मूड ऑफ नका करू। इथे सगळे लोकच ऑफ आहेत, मूड तर ऑफ होणारच ना। ऐसी बेतुकी बातें करके क्या मिलता आपको मौसी? मौसी सही तो कह रही है, इट्स गेटिंग वे टू हॉट फॉर मी हियर। हॉट? ऐसे खुली जांघों में आपको गर्मी लग रही है? मेरे बुरखे के अंदर तो कबाब पक रहा है। What? जांघो थाइस। चिची जी आप जाकर देखो ना, इनका तो चलता ही रहेगा। चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? एक ही तो ढंग का कमरा दिया है हमको। अदा ये करूं मैंने, कितनी लोग लगू सी ना। कितनी बार कहा है धूप पत्ती के पास झगड़ा मत करो ना। पर तू धूप कशाला लावते भाई, इकड़े कोई देव नहीं। केबल चेक करायला गेलाय तो। मैं आप सबकी शांति के लिए। शांति मांगता है ना, वो लड़की को अंदर नहीं आने देने का, बस इधर सबकी आत्मा को शांति मिलेगा। अतः डोस के और बस वैसे ककाय दिला दे। तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी वो? यहाँ एक सिस्टम की जरूरत है, हर कोई यहाँ नहीं रह सकता, वरना किसी को तो बाहर रुकना पड़ेगा ना। पहली बार कोई अकल की बात की है इसने। जो अभी आया है वो बाहर रुके, हम क्यों जाए? यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है आरजू जी, टीवी से तो लग रहा है हर रोज कोई नया आएगा। कितनों को बाहर बैठाएंगे? सबको।
वो हमारे क्या लगते हैं? हम सब एक दूसरे के क्या लगते हैं, फिर भी साथ रह रहे हैं ना। हाँ, किसी ने कुछ पूछा थोड़ी, सबको यहाँ बकरियों की तरह चूस दिया बस। इतनी सारी लड़कियां रखेंगे कहाँ सबको? दिया, अपने आप को धर्मशाला नहीं खोल के रखी है, प्लीज आप उसको अपना टेंशन मत बनाओ, वो अपना खुद देखेंगे। एग्जैक्टली ज्योति, यू आर आल्सो विक्टिम। मुझे इंग्लिश ही आती है, आप लोग मराठी मीडियम हो तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मैडम जी, हम कभी स्कूल ही नहीं गए, 12 साल में शादी करा दी, इसलिए तो हम नीचे बैठे और आप कुर्सी में झूल रहे हो। तो बैठो ना, आओ बैठो इधर, मैंने कब मना किया आप लोगों को? बस भी करो बात, आप भी बाहर कोई रुका है, हम उन्हें क्या जवाब दे? ये अंदर बाहर वालों का बंटवारा कैसे करें? बैठो और ना बाहर जाओ। तेरे को मालूम था ना मेरा मर्द 50 का है, बड़ू मेरी उम्र कितनी है? 42 का था, 55 और 2 थे, कुल मिला के 110। तो मैं क्या घर चली जाऊं? या तो फिर जिस तरीके से हम, ये भाई चीटी नहीं चलेगा, तुझे तो जितना जला दिया था। जला डाल, आप सब गला गला था पत्थर से, चूरे से, मेरा हादसे से नहीं, उसके बाद सदमे से हुआ था। तो तू बाहर जा। एक्सक्यूज मी मैडम, इधर किसी को रोने का भी टाइम नहीं मिला था, तुम्हारा तो सबसे आसान था, दिखता है बाहर जा। मौसी, छुरी नहीं चली, खून नहीं बहा, इसका मतलब ये नहीं मुझे दर्द कम हुआ था या तकलीफ कम हुई थी। बोल रहे हो आप? You're so mean! देखो रुला दिया ना? मौसी, it's just a sometimes. ये भी इंग्लिश बोलती है और कम से कम मुंह पे गाली देती है। तेरे लिए ऐसा नहीं। Just shut up! मौसी, काय चल रहा है तुमसे? तुम्ही सर्वात मोठे आहात ना, तुम्ही समजून घ्या। ये तो कौन सी एक जब की पढ़ाई कर रही है, तो तू कभी देने वाली नहीं है। अब असली मुद्दे पे ध्यान दे। आपका मुंह देखने से तो अच्छा है ना कि मैं मुर्दों की शक्ल मुंह देख लूं। ये अभी लक्ष्मी चल चल उठा। हां हां बाहर जाओ, चल जाओ 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 बाहर जाओ, अभी जाओ, उसको लेकर जाओ, मुझे नहीं करना, जाओ ना, बस बस, कोई कहीं नहीं जाएगा और जो आई है उसे भी कहीं भेज नहीं सकते। जितनी जगह है उसी में एडजस्ट कर लेंगे। हम भी तो एडजस्ट ही कर रहे थे ना, यहां थोड़ी भीड़ में रहेंगे, लेकिन उन हैवानों के साथ रहने से तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन मैं अपनी गद्दी शेयर नहीं करूंगी बस। छोटी प्लीज, को क्या किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा,
तो मेरी एक हफ्ते के लिए रिपोर्ट चुका देंगे, है ना? याद है हम जब आए थे तो कितने डरे हुए थे? नमस्ते बोलो सबको। भारत में हर 22 मिनट एक महिला का रेप होता है। 2018 में थॉमसन रॉयटर्स की स्टडी के मुताबिक महिला सुरक्षा के मामले में बहुत ही मैसेजेबल शॉप होगी और आई एम वेरी शॉक जब मैंने ये सुना कि हर 22 मिनट बाद हिंदुस्तान में एक खातून का रेप होता है और पर डे 90s खवातीन का रेप होता है और उसमें जो कन्विक्ट होते हैं जिनको क्या कहते हैं वो कहते हैं तो 32% उसका रेशियो है। तो ये एक बड़ा दुखी वो है कि इतना कम रेशियो। तो सोचें कि ऐसा क्यों होता है। वो जो मर्द हजरात हैं जो मर्द तो कहना भी नहीं चाहिए, मर्द तो एक अच्छा इंसान होता है, वो जो दरिंदा सिर्फ इंसान है, तो ऐसी क्या वो इन्हीं जैसी औरतों की गोद में खेल के ही पल बढ़ के बड़ा हुआ। उसकी बहन भी होगी, उसकी माँ भी होगी, शायद उसकी बीवी भी हो, मगर ऐसी कहाँ चीज़ आती है। मगर कहते हैं अच्छी माएँ भी होती हैं, मगर कुछ लोग दरिंदे बन जाते हैं। इतनी खूबसूरत ख्वातीन, इतने प्यारे रिश्ते हमारे पास हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या कहते हैं ख्वातीन के साथ इतना जुल्म वाला हम वो करते हैं। फिर ये हमारा मुआशरा एक तो वो इतनी विक्टिम हो गई है और एक उस पर इतना हादसा पेश आ गया उसके साथ। अच्छा, मर्द भी करता है, वो भी एक इंसान है। जब हम कहते हैं इक्वलिटी होती है ख्वातीन और मर्द के अंदर और औरत भी बराबर होते हैं, मगर औरत के साथ हमारा बिहेवियर कुछ और हो जाता है। हम उसको बिल्कुल अच्छू समझने लग जाते हैं, जैसे कि उसकी कोई बीमारी हो गई हो या पता नहीं उसको क्या हो गया हो, हम कहते हैं यार उसकी इज्जत गई। ये वो मर्द की इज्जत क्यों नहीं जाती? उस मर्द को ताने क्यों नहीं मिलते? उस इंसान को, उस दरिंदे को ताने क्यों नहीं मिलते? उस माशरा उसको क्यों कबूल कर लेता है? और उस औरत को जो बेचारी बेस लाचार, जिसकी कोई मजबूरी थी, जिसके पास उसका वो उसने खुशी से तो नहीं किया ना, मगर उसको माशरा काट देता है। हम आप लोग काट देते हैं, ये ख्वातीन भी काट देती है। ज़्यादातर ख्वातीन इन पर कहती हैं है इसका तो फलाई होता है, दो दिन से घर से गायब थी, ये तो यूँ नहीं थी, इसको ऐसा क्यों कर दिया, ये तो वो हो गया। तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो आप जैसी थी, उसने अपनी मर्ज़ी से रैप नहीं करवाया। मुआशरे को काटना है तो उस दरिंदे को काटना चाहिए, उससे सोशल बायकॉट करना चाहिए, उससे नफरत करनी चाहिए, ना कि उस बेचारी मासूम खातून से जिसका रेप हो जाता है। वो तो ना यहाँ की रही ना वहाँ की रही। अच्छा, वो जालिम इंसान वो फिर भी मुआशरे में फ़ख्र से चल रहा होता है और फिर भी सर उठा के चल रहा होता है,
اور جس سے سر زیادتی ہوئی ہے جو مظلوم ہے وہ سر جھکا کے کھڑی ہوئی ہے اور ہمارا معاشرہ بھی قبول نہیں کر رہا. تو یہ ہمارے معاشرے کا بڑا فیلیور ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسے قانون ہونے چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ سر عام سزا ہونی چاہیے. آج سعودیہ دیکھ لیں نا جن معاشرے میں ہم کہتے ہیں بڑے مہذب ہیں اور کیا کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہاں پر دیکھو اس ٹائپ کے ریپس کے کیس اور مارنے کے, چوری کے, زنا کے, حرام خوری کے کیس زیادہ ہوتے ہیں. سعودیہ میں دیکھنا کہ سر عام اور جمعے کے دن کیا کہتے ہیں سر قلم کر دیتے ہیں, ان کا سنسار کر دیتے ہیں, ان کو مجال نہیں ہوتی دوسرے بندے کے دوبارہ جا کے اس ٹائپ کا کوئی کام کر لیں وہاں پر. مگر ہم ایک ہیومن رائٹس کے چکر میں آ کر اور انگریزوں کی باتوں میں آ کر ہم کہتے ہیں نہیں جناب ایسا نہیں ماننا چاہیے, یہ غلط ہے, غیر انسانی فعل ہے. ایسے درندوں کو تو ایسا ہی کرنا چاہیے, ان کو لٹکا دینا چاہیے سر عام ان کو, تاکہ وہ عبرت ہو کہ کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی سے اس کی عزت سے نہ کھیلوائیں. کیونکہ ساری زندگی لیے مار دیتے ہیں ہم لوگ اس کو, اس کو ہر پل ہر لمحہ مارتے ہیں, اس کو باتوں سے مار دیتے ہیں. وہ آسان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کو مار دیا جائے, مگر وہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا ہی بندہ اسے گھین کھائے, اپنا ہی بندہ اسے نفرت کرے, اپنا ہی بندہ اس کو کاٹ کے رکھ دے اور اپنا ہی بندہ اس کو کہتے دور ہٹا دے کہ نہیں تو تیرے کوئی عزت ہی نہیں ہے. تو شرم کی بات ہے. ساری باتوں کو میں سیکنڈ کروں گا شاکر بھائی کی. بس میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ بہترین کانسیپٹ جس نے بھی پورا یہ کانسیپٹ کریٹ کرا, بڑا ہی ہماری کیا کہتے ہیں وہ بہترین امیزنگ ویڈیو. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ کئی سچائی ہے ہماری. ہم کبھی کبھار کرتے ہیں نا کہ کاش اگر ہم کچھ دیکھ رہے ہوں مووی میں یا ڈرامے میں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے ریئل لائف میں ہماری سراؤنڈنگ میں ہو اور یہ سب ہو. لیکن یہ دیکھ کے افسوس ہو رہا تھا خود پہ کہ یہ ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اور جو وہ بچی نے انٹری کری ادھر وہ تھا وہ ختم کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ اپنے ساتھ, ہم کیا کر رہے ہیں لٹرلی. نو ابھی تو یہ پھر انہوں نے ایک بڑی بچی دکھا دی, ورنہ چھ چھ مہینے نو نو مہینے کے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید نہیں بول پاؤں گا کچھ, میں اتنا تھوڑا بولنے میں گھبراتا ہوں, ایسے اس پہ ایموشنل ہو جاتا ہوں کچھ کہ مجھ سے نہیں بولا جاتا. لیکن شاکر بھائی والی بات کہ ساری کہ ہم ایسے لوگوں کو جب یہ جو مرد یہ حرکت کر رہا ہے اس کو ہم کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے, اس کو ہم برا کیوں کہتے ہیں. اس لڑکی کے لیے ایک تو اس کے ساتھ ویسے ہی برا ہوا ہے, ہم اس کو اپنی نظروں میں برا کر کے اور اس کو بیچاری کو موقع نہیں دیتے کہ وہ اس چیز سے نکل پائے. تو بہتر کانسیپٹ وائز سب جتنی بھی ایکٹریس تھیں وہ سب جیت گئیں. اور انفارچونیٹ ہے بہت یہ ہماری سراؤنڈنگ میں ہمارے ارد گرد کیسا ہو رہا ہے. ہم صرف ہوپ اور ہم آواز اٹھا سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کم سے کم ہو. انڈیا کی سائڈ پہ بھی اور ہمارے ملک میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی بات نہیں کہ ادھر نہیں ہوتی, بٹ ہم کو سب کو پوری دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں یہ سب انسیڈنٹ. ہم سب کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے رکنا چاہیے, روکیں اور لاز بنے. جیسے جاکر میں نے کہا سزا, جب ایک انسان کو سر عام پھانسی ہو جائے گی نا تو شاید دوسرے بندے میں ایک خوف آئے جو کرنے سے پہلے سوچے. ورنہ اگر جب تک یہ لاز اسٹرکٹ نہیں ہوں گے, جس نے کہا کہ 100,000 کیسز ریپ کے کیسز پینڈنگ ہیں, تو جب تک اس کو سزا ملتی ہے تب تک تو کہاں جائے گا وہ. تو آج کے لیے میرا خیال سے اینی وے اتنا ہی ہے. امیزنگ یار جو بھی شارٹ فلم بنائی, خطرناک, بہت بہت پھاڑ ہوتی. پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, جب تک لے جا دیجیے گا. اللہ حافظ.